नमस्कार, वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपने आज तक शेर, चीते, बाघ या भैंसों के जानलेवा हमले ही देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जू में शांत और प्यारे से दिखने वाले बंदर, बेबून्स और गोरिलास के डेडली अटैक्स दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि नादान, शांत और प्यारे से दिखने वाले ये जानवर भी कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर वन, बेबून्स। दोस्तों, बेबून्स यूं तो काफी शांत और अट्रैक्टिव नजर आते हैं, लेकिन ये अव्वल दर्जे के शिकारी भी होते हैं। बेबून ज्यादातर मध्य और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। आमतौर पर झुंड में रहने वाला ये जानवर यूं तो पेड़ पौधों और फ्रूट्स खाकर अपना पेट भरता है, लेकिन जब इनका नॉनवेज खाने का मन होता है तो ये जानवरों का भी शिकार करते हैं, और वो शिकार काफी खतरनाक होता है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी हैं, लेकिन बबून उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा। इसके अपोजिट इस वीडियो को देखिए, जहाँ जब नॉनवेज पर दिल आया तो बबून ने बिना देर किए इन पक्षियों में से एक को दबोच लिया और फिर मजे से उसका टेस्ट ले रहा है। नंबर टू, बबून्स वर्सेस लेपर्ड। यहाँ ये लेपर्ड बबून के इलाके में घुस आया है, जिसे देखकर बबून्स काफी अग्रेसिव है। वैसे आपको बता दें कि बबून्स को जब गुस्सा आता है तो वो लेपर्ड को मार भी सकते हैं। गुस्से वाले कंडीशन में बबून्स किसी से नहीं डरते, और यहाँ तो बबून्स की भारी भरकम संख्या है जो आसानी से लेपर्ड को नानी याद दिला सकती है। हालांकि जल्द ही लेपर्ड को इस खतरे का अंदेशा हो जाता है और वो बबून्स के झुंड से दूर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन बबून्स भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ चुके हैं। हालांकि उनमें से कुछ ने अपना कदम पीछे भी ले लिया, लेकिन कुछ अब भी लेपर्ड के सामने यमराज बन बैठे हैं। वेल, इस भागम भाग युद्ध में जीत किसकी हुई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन भगवान लेपर्ड को इन बेबून्स का सामना करने की ताकत दे। नंबर थ्री, बेबून वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, यहाँ ये बेबून नदी से ठंडे ठंडे पानी का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये अंदाजा नहीं है कि पास ये क्रोकोडाइल है जो मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही क्रोकोडाइल ने एक बबून को दबोच लिया, लेकिन 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 बबून कभी अपने साथी को छोड़कर भागते नहीं है। यहाँ भी यही हुआ, जैसे ही मगरमच्छ ने बबून को दबोचा, बाकी सभी बबून ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसे हाथ आए शिकार को छोड़कर वापस पानी में लौटना पड़ा। नंबर फोर, बबून वर्सेज लायन। पश्चिमी सेरेंगेटी में सफारी पर्यटकों के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये क्लिप काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ एक बबून अपने से बड़े शेर को इधर उधर दौड़ा रहा है, और जंगल के राजा जी उसका सामना करने की जगह उससे डर के भाग रहे हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि शेर और बबून दोनों ही झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों अकेले थे। दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चल ही रहा था कि तभी वहाँ शेर के बाकी साथी भी आ जाते हैं। अब बबून क्योंकि काफी समझदार भी होते हैं, तो यहाँ भी बबून को समझ आ गया था कि ज्यादा देर रुकना मतलब जिंदगी का मोह त्यागना, इसलिए बबून भाई पहली फुर्सत में खिसकते बने। चलिए अब 160 से 180 सेंटीमीटर तक हाइट वाले सबसे बड़े जीव गोरिला की बात कर लेते हैं, और देखते हैं कि जब गोरिला की हटती है तो किस किस की फटती है। नंबर फाइव, गोरिला। दोस्तों, एक व्यस्क मेल गोरिला की हाइट 5 फीट 2 इंच से लेकर 5 फीट 9 इंच तक हो सकती है, और इनका वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। गोरिला साइज में जितने बड़े होते हैं ये उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। आमतौर पर गोरिला काफी शांत होते हैं, ये पहले से हमला नहीं करते, लेकिन रवांडा के उत्तर पश्चिम में साल 2013 में दो गोरिलाज को आपस में झगड़ते हुए देखा गया। शुरुआत में तो ये चिल्लाने लगे, लेकिन थोड़ी देर में ही इन दोनों गोरिला ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इन्हें देखकर लग रहा है कि कोई फैमिली मैटर होगा जो जरूर ही मादा गोरिला से जुड़ा होगा, तभी इतनी गर्मा गर्मी चल रही है। क्यों दोस्तों? खैर, वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक दूसरे पर हमला करने वाले ये गोरिला इंसानों पर हमला कर सकते हैं या नहीं, इस क्लिप में देखिए। नंबर सिक्स, गोरिला वर्सेज मैन। दरअसल यहाँ कुछ टूरिस्ट गोरिलाज के रहन सहन, उनके बिहेवियर को फिल्माने के लिए गए हुए थे। ये लोग उनकी तस्वीरें उतार ही रहे थे कि तभी एक गोरिला इनकी तरफ आता है और एक लेडी को हल्का सा धक्का देता है। इसके बाद गोरिला इन सबको एक नजर देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने आस पास देखता है और दबे पाँव वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते गोरिला एक प्रैंक कर गया। दरअसल वो वहाँ खड़ी एक लेडी को उसका पैंट पकड़कर नीच ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि वो बाकी लोगों के चिल्लाने और गाइड द्वारा उस लेडी को पकड़ लेने पर उसे छोड़ देता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कभी आपके साथ ऐसी कंडीशन आए और गोरिला आपकी तरफ बढ़े, तो आपको वहाँ डरना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से खड़े रहना चाहिए, क्योंकि गोरिलाज इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करते। हाँ, वो मस्ती जरूर कर सकते हैं,
नंबर 7। ये वीडियो क्लिप फरवरी 2019 की है, जो मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट से सामने आई है, जहां कुछ अग्रेसिव गोरिल्लाज ने गोरिल्ला की पूरी फैमिली पर अटैक कर दिया। इस फैमिली में उनका लीडर, 3 मादा गोरिल्ला और 1 बेबी गोरिल्ला भी शामिल था। इस हमले में गोरिल्ला की फैमिली बुरी तरह से घायल हो गई, वहीं बेबी गोरिल्ला की तो जान ही चली गई। ये वीडियो काफी खौफनाक है, क्योंकि यहाँ गोरिल्लाज को खौफनाक तरह से सामने वाली पार्टी पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पर शांत रहने वाले चिंपैंजियों का ये काफी अग्रेसिव और डरावना हमला जो कैमरे में कैद हुआ। गोरिल्ला विद स्मॉल एनिमल्स। दोस्तों, गोरिल्ला जितना बड़ा होता है ये उतना ही अग्रेसिव, दिमागदार और मस्ती से भरा होता है। कई चिड़ियाघरों से सामने आए कुछ वीडियोस में गोरिल्लाज की इस मस्ती को आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि गोरिल्ला किस तरह एक डक के साथ धोबी पछाड़ खेल रहा है। यहाँ तो रैकून इनके बेड़े में घुस आया, जिसके बाद चिंपैंजी ने उसे उठाकर ऐसा पटका कि दोबारा वो इस गली पर भटकता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं इस गिलहरी की पूंछ पकड़ने के लिए गोरिल्ला बेताब है। दोस्तों, गोरिल्लाज हरी सब्जी के साथ साथ दूसरे छोटे जानवरों को खाना भी पसंद करते हैं। यहाँ झाड़ियों पर कूद रहे इस बंदर को भी आखिरकार चिंपैंजी का भोजन बनना ही पड़ा। चलिए अब आपको गोरिल्ला का इंसान पर किया गया हमला दिखाते हैं। गोरिल्ला वर्सेज ह्यूमन। दोस्तों, यहाँ एक टूरिस्ट गोरिल्ला के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। वो इसके लिए गोरिल्ला के बगल में रखी एक चेयर पर बैठ गया। सब कुछ रेडी था, फोटो खिंचनी ही थी कि तभी गोरिल्ला ने उस शख्स पर हमला कर दिया, उसके कपड़ों से चिपक गया। गोरिल्ला का केयरटेकर उसे समझाने लगा, टूरिस्ट को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोरिल्ला नहीं माना। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस हादसे के बाद इस शख्स ने गोरिल्ला तो छोड़िए चीटी के साथ भी फोटो नहीं खिंचवाई होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के क्लिप्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।